पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब वाली परिभाषा अब बदल कर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब हो गई है। इसे सार्थक किया है सागर के अंतर्राष्ट्रीय कूडो खिलाड़ी मोहम्मद सुहेल खान ने। उनका चयन स्पोर्ट्स कोटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स असिस्टेंट के पद पर मुंबई महाराष्ट्र सर्किल में हुआ है, वह भी महज 24 साल में। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। गोल्डन बॉय ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से सोशल मीडिया में मशहूर सुहेल के साथ स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाने देश भर से 15,000 खिलाड़ियों ने आवेदन किया था, जिनमें कई ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी भी शामिल थे, परंतु सुहेल के रिकॉर्ड को देखते हुए उनका चयन किया गया। सुहेल अभी तक राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में 19 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 2 कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेले, 1 बार स्वर्ण पदक भी जीता। सागर से कूडो खेल में किसी खिलाड़ी की यह पहली शासकीय नियुक्ति है जो खेल कोटे से हुई है। खेल कोटे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों के आधार पर सीधे नियुक्ति होती है। सुहेल 12 वर्षों से कूडो से जुड़े हैं। उन्होंने खेल परिसर सागर में कूडो प्रशिक्षण डॉक्टर मोहम्मद इजाज खान से प्रशिक्षण लिया है। सुहेल की नियुक्ति पर कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के चेयरमैन विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इजाज खान ने मिठाई खिलाकर सुहेल को सम्मानित किया। सुहेल सागर के एक मध्यवर्गीय परिवार से जुड़े हैं। कूडो एसोसिएशन मध्य प्रदेश का मुख्यालय सागर में। मध्य प्रदेश में कूडो की शुरुआत वर्ष 2012 में सागर के ही डॉक्टर इजाज खान ने की। तब से अब तक सागर में 4 राष्ट्रीय शालेय कूडो प्रतियोगिताएं की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के द्वारा सागर में अब तक 8 राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिताएं कराई जा चुकी है। सागर में ही मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन का मुख्यालय भी है। इसी के चलते देश भर में सागर का नाम यहां के उत्कृष्ट कूडो खिलाड़ियों से भी जाना जाने लगा है। विधायक बोले, खेलों की परिभाषा अब बदल गई है। सुहेल को सम्मानित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि खेलों की परिभाषा अब बदल गई है। अब कहा जाने लगा है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, अब खेलने कूदने वाले नाम के साथ पैसे भी कमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरियां मिलना भी आसान है। सरकारी नौकरियों की भर्ती में खेल कोटा होता है, जिसके अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर भर्ती की जाती है। विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई तो करना ही चाहिए, पर अपनी पसंद के खेलों में भी सहभागिता करना चाहिए। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।